सो गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख लो कि मुझे सोलो एप्लीकेशन का द्वारा पूरे 8000 का मुझे यहाँ पे लोन ऑफर कर रहा है, जो अभी यहाँ पे अप्लाई प्रूफ देख लो। और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा चुलेस में ऑप्शन भी आ चुका है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम इस लोन एप्लीकेशन का पूरे 8000 का लोन के एलिजिबल है। और दोस्तों, सबसे मजे की बात तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे मुझे 8000 का जो लोन ऑफर बताया जा रहा है, बस मुझे पैन का आधार कार्ड से KYC कम्प्लीट करने पर। तो दोस्तों, अगर आपको भी KYC कम्प्लीट करके लोन लेना है तो यह लोन एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। लेकिन आपको इस लोन एप्लीकेशन का कैसे लोन अप्लाई करना है और आपको जो नंबर मिलेगा उसको अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया हुआ है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस लोन एप्लीकेशन का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप चाहो तो मैं दिए हुए डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से भी आप इस लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। वैसे मैं आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा कि इस लोन एप्लीकेशन का नाम क्या है। और जैसे आप इस लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके ओपन कर लोगे, फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाएगा। तो नीचे ही आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाए जहां पे लिखा हुआ है यस आई अंडरस्टैंड का। तो यहां से आपको यस आई अंडरस्टैंड वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। जैसे वहां से आप यस आई अंडरस्टैंड वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा परमिशन। यानी कि दोस्तों, अब यहां से आपको इस लोन एप्लीकेशन को परमिशन देना होगा। तो परमिशन देने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके नीचे आपको यस आई अंडरस्टैंड का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहां से आपको इस वाले ऑप्शन क्लिक करके आपको इस लोन एप्लीकेशन को एक एक करके यहां से आपको लगातार परमिशन दे देना है। और जैसे ही यहां से लगातार परमिशन दे दोगे, फिर यहां पे आपको देखने को मिल जाता है मोबाइल नंबर। तो यहां पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करके नीचे कंटिन्यू का आइकन देखने को मिलेगा। तो यहां से आपको कंटिन्यू वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही यहां से आप कंटिन्यू वाले आइकन पे क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों आप इस लोन एप्लीकेशन के अंदर जो भी मोबाइल नंबर आप यहां पे प्रोवाइड कराए हो उसी मोबाइल पे इस लोन एप्लीकेशन का एक OTP आएगा। तो OTP एंटर करके वहां से आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और जैसे वहां से अपना OTP एंटर करके वहां से आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर पहले ही बता देता है कि आप इस लोन एप्लीकेशन के अंदर मिनिमम 500 से लेकर मैक्सिमम पूरे 15000 तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों, मान लेते हैं कि अगर हम इस लोन एप्लीकेशन का अगर 500 का यहाँ पे लोन अप्लाई करते हैं, और ये भी दोस्तों 500 का लोन मैं 2 महीने के लिए लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 महीना में मुझे जिनको टोटल पेमेंट करना है 649 रुपए करना है। और मेरा जो पर मंथ EMI हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, एक मंथ में मुझे यहाँ पे 391 रुपया देना है, और दूसरे मंथ में यहाँ पर आप देख सकते हो कि 258 रुपया देना है। तो दोस्तों, मुझे यहाँ पे आपको लाइफ प्रूफ लोन लेकर दिखाना है, तो हम यहाँ से 500 का ही लोन अप्लाई करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको जितना लोन अमाउंट की नीड होगी उतना लोन अमाउंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नीचे नेक्स्ट का जो आइकन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको नेक्स्ट वाला आइकन पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही यहाँ से आप नेक्स्ट वाला आइकन पे क्लिक कर लोगे, फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इंटर 12-डिजिट आधार नंबर। यानी कि दोस्तों, आप यहाँ से आपको आधार कार्ड नंबर इंटर करके नीचे वेरीफाई का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको वेरीफाई वाला ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और जैसे ही यहाँ से वेरीफाई वाला ऑप्शन क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों आपका आधार कार्ड जिस भी मोबाइल नंबर से रजिस्टर होगा उसी मोबाइल पर इस लोन एप्लीकेशन का एक OTP आएगा। तो OTP इंटर करके यहाँ से अपना KYC कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, हम इसी प्रकार से यहाँ से अपना KYC कंप्लीट कर लेते हैं। और जैसे वहां से अपना आधार कार्ड वेरीफाई कर लोगे, फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाएगा। तो ऊपर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है पर्सनल डिटेल्स। यानी कि दोस्तों, अब यहाँ से आपको ना पर्सनल डिटेल्स देना पड़ेगा। तो पर्सनल डिटेल्स में आपको क्या क्या देना है, तो मैं आपको बता दूं। सबसे ऊपर देखने को मिल जाता है फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे आपको ना फर्स्ट नेम इंटर कर देना है। फिर नीचे देखने को मिल जाएगा लास्ट नेम, तो यहाँ पे आपको ना लास्ट नेम इंटर कर लीजिएगा। फिर नीचे यहाँ पे देखने को मिल जाता है जेंडर, आप जेंडर में मेल हो या फीमेल हो, आप जो भी हो वह सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नीचे यहाँ पे देखने को मिल जाता है डेट ऑफ बर्थ, तो दोस्तों यहाँ पे आपको ना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है कि जो आपके पैन का आधार कार्ड में होगा सेम वही डेट ऑफ बर्थ इंटर कर लीजिएगा। फिर नीचे देखने को मिल जाता है फादर नेम, तो दोस्तों यहाँ अपने फादर का फुल नेम इंटर करके नीचे नेक्स्ट का जो आइकन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको नेक्स्ट वाला आइकन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, हम इसी प्रकार से अपना पर्सनल डिटेल्स सभी फिलअप करके हम यहाँ से नेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे वहां से अपना पर्सनल डिटेल्स इंटर करके वहां से आप नेक्स्ट वाला आइकन पे क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाएगा। तो आपके आधार कार्ड में जो भी आपका एड्रेस होगा एड्रेस देखने को मिल जाएगा, आपका CT ऑटोमेटिक यहाँ पे फिच कर लिया जाएगा, और आपका पिन कोड भी ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके सभी डिटेल्स सही है तो नीचे नेक्स्ट का जो आइकन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको फिर से नेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। फिर दोस्तों, आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लो कि ऊपर आपको देखने को मिल जाता है वर्क डिटेल्स। यानी कि दोस्तों, अब यहाँ से आपको ना वर्क डिटेल्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ऊपर आपको देखने को मिल जाता है मंथली इनकम। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ना मंथली इनकम इंटर कर देना है। लेकिन दोस्तों, मंथली इनकम इंटर करने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे साफ साफ बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपको मिनिमम 25000 कम से कम मंथली इनकम इंटर करना पड़ेगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आप 25 से 30000 भी मंथली इनकम इंटर कर सकते हो। अगर आप उससे कम डालते हो तो आपके यहाँ से लोन भी रिजेक्ट हो सकता है। फिर दोस्तों, यहाँ पे पैन कार्ड नंबर इंटर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों, फिर आपको नीचे देखने को मिल जाता है आधार कार्ड नंबर। यहाँ पे आप फिर से अपना आधार कार्ड 12-डिजिट का फिर से नंबर इंटर कर लीजिएगा। फिर नीचे अपना एक ईमेल आईडी इंटर करके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके नीचे नेक्स्ट का जो आइकन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको नेक्स्ट
वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख लो कि ऊपर आपको देखने को मिल जाता है बैंक अकाउंट, यानी दोस्तों अब यहाँ से आपको अकाउंट डिटेल्स देना है कि आप कौन से बैंक अकाउंट में अपना येलो मार्ट लेना चाहते हो। सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है आईएफएससी कोड, आपके बैंक अकाउंट का जो भी आईएफएससी कोड होगा आईएफएससी को इंटर कर लीजिएगा। फिर नीचे देखने को मिल जाता है बैंक नेम, तो दोस्तों यहाँ अपने बैंक का नाम इंटर कर देना है कि आपका जो अकाउंट है किस बैंक में है। फिर दोस्तों अपने ब्रांच के यहाँ पे नाम इंटर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों आपका ब्रांच कौन से सिटी में उसका यहाँ पे नाम इंटर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों अकाउंट नंबर इंटर कर देना है। फिर दोस्तों कन्फर्म अकाउंट नंबर इंटर करके फिर से आपको नीचे नेक्स्ट का आइकन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको फिर से नेक्स्ट आइकन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों हम इसी प्रकार से यहाँ से अपने अकाउंट डिटेल्स इंटर करके तो हम यहाँ से नेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक कर लेते हैं। देन गाइस जैसे वहां से अपने अकाउंट डिटेल्स इंटर करके वहां से आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सेल्फी, यानी कि दोस्तों अब यहाँ से आपको इस एप्लीकेशन अपना एक सेल्फी अपलोड करना पड़ेगा। तो नीचे अब एक ऑप्शन देखने को मिल जाए जहाँ पे लिखा हुआ है टैप टू क्रिएट ए सेल्फी। तो जैसे आप इस वाला ऑप्शन क्लिक कर लोगे उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल का यहाँ से फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन अब एक सेल्फी क्लिक करके यहाँ से अपना एक सेल्फी अपलोड कर देना है। तो चलिए दोस्तों हम इसी प्रकार से अपना एक सेल्फी क्लिक करके हम इस एप्लीकेशन के अंदर अपना एक सेल्फी यहाँ से अपलोड कर देते हैं। और जैसे वहां से अपना सेल्फी अपलोड करके वहां से आप सबमिट डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर आपको देखने को मिल जाता है क्रेडिट रिपोर्ट, यानी दोस्तों अब यहाँ से आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाएगा। और क्रेडिट स्कोर चेक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लोन आपको बताया जाएगा कि आप इस लोन एप्लीकेशन का कितना लोन एलिजिबल हो। तो क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए आपको स्टेटमेंट कंडीशन को एक्सेप्ट करके नीचे नेक्स्ट का जो आइकन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको नेक्स्ट वाला आइकन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों हम इसी प्रकार से यहाँ से अपना नेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक कर लेते हैं। और जैसे वहां से अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर लोगे फिर दोस्तों यहाँ पे आपको लोन आपको बता देगा कि आप इस लोन एप्लीकेशन का कितना लोन एलिजिबल हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम इस लोन एप्लीकेशन के अंदर पूरे 8,000 का लोन एलिजिबल है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशन का ऑप्शन आ चुका है। तो दोस्तों इस लोन अमाउंट को लेने के लिए नीचे डन का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको डन वाला ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और जैसे ही यहाँ से आप डन वाला ऑप्शन क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। तो ओटीपी इंटर करके जैसे वहां से आप कंटिन्यू वाला ऑप्शन क्लिक कर लोगे उसके बाद दोस्तों सक्सेसफुल आपके बैंक अकाउंट में इस लोन एप्लीकेशन द्वारा पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप भी कुछ इसी प्रकार से इस लोन एप्लीकेशन अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। मैंने इस वीडियो के अंदर आपको सभी को स्टेप बाय स्टेप बताया कि आपको इस लोन एप्लीकेशन अंदर कैसे लोन अप्लाई करना है और आपको जो लोन ऑफर किया जाएगा उसको अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अभी ये भी बता देता हूँ कि इस लोन एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों इस लोन एप्लीकेशन का नाम है युवा पर्सनल लोन ऐप का जो प्ले स्टोर अवेलेबल, आपको प्ले स्टोर पर जाना है और वहां पर सर्च करना है युवा पर्सनल लोन ऐप। दोस्तों ये लोन एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप जाइए इस लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके सेम इसी प्रकार से इस लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। वेल दोस्तों मान लेते हैं कि आप युवा पर्सनल लोन एप्लीकेशन के अंदर जाते हो लोन अप्लाई करने और हो सकता है कि किसी भी कारणवश आपके यहाँ से लोन रिजेक्ट हो जाता है। दोस्तों अब वो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए एक रियल फ्यूचर लोन एप्लीकेशन में वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आप जाइए उन फ्यूचर लोन एप्लीकेशन अंदर जाकर विजिट कर लो, क्योंकि दोस्तों उन फ्यूचर लोन एप्लीकेशन अंदर जितने भी फ्यूचर लोन एप्लीकेशन है सभी एक एनबीएफसी आरबीआई लोन एप्लीकेशन है और सभी में आपको पैन कार्ड आधार कार्ड से केवाईसी कंप्लीट करने पर वहां पर आपको लोन प्रोवाइड कराया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको सच में स्टैंड पर्सनल लोन लेना है तो आप उन फ्यूचर लोन एप्लीकेशन अंदर जाकर विजिट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बस गाइस आज की इस वीडियो का जो भी आपको अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।